हेलो दोस्तों, मेरे पास एक रिमोट है। ये रिमोट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि सेल जैसे डालेंगे ये इंडिकेटर जलता ही रहता है, ये शॉर्ट कर रहा है बटन। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बटन इसका शॉर्ट बता रहा है, ये देखिए। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका बटन कैसे ये शॉर्ट कर रहा है। ये देखें, सेल डालते ही देखिए इस तरह ये इंडिकेटर ये जलता ही रहता है। ये देखें, ये बटन इसका शॉर्ट कर रहा है। तो इसको हम और कैसे इसको सही करते हैं वो आप हम देखेंगे इस वीडियो में। ये देखिए इस तरह ये शॉर्ट बता रहा है, इसको हम चेक करने वाले हैं। दिखा देते हैं मैं आपको, इसको हम खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए मेरे पास ये इंडिकेटर है, ये टेस्ट करने वाला है। इसको अभी हम टेस्ट कराते हैं। ये देखिए आपको हम सेल डाल कर देख लेते हैं। ये देखिए सेल जैसे डालेंगे, ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है, ये शॉर्ट कर रहा है, ये बटन इसका सारा शॉर्ट कर रहा है। तो ये देखिए इंडिकेटर ये ऑटोमेटिक चल रहा है, रुकना चाहिए इसको। जिस वक्त दबाएंगे उस वक्त काम करना चाहिए, ये देखिए इस तरह काम करना चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट कर रहा है बटन। इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको हम खोल रहे हैं, तो हम ओपन कर रहे हैं और वीडियो में बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें। ये देखिए यहाँ पे इसका ये मॉइस्चर जमा, इसलिए ये बटन इसका शॉर्ट कर रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको अच्छी तरह से इसको हम क्लीन करने वाले हैं, क्लीन करके देखते हैं। मेरे पास एक कॉटन कपड़ा है, ये देखिए मैंने क्लीन करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इसका ये शॉर्ट कर रहा था ये बटन, और इसको हम थोड़ा साफ करके देख लेते हैं। ये देखिए इसलिए इसका बटन ये शॉर्ट कर रहा था। अभी हम देख लेते हैं, ये देखिए इसको हम चेक करने वाले हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये सब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये नहीं शॉर्ट कर रहा है। ये देखिए इंडिकेटर जल रहा था, इंडिकेटर नहीं जल रहा है। मैं ये चिमटी की मदद से इसको हम चेक करने वाले हैं। ये देखिए ये सही हो गया। ये देखें, ये शॉर्ट कर रहा था बटन, और बटन ये सही है। अब इसको वापस हम पैक करके देख लेते हैं। तो इस तरह आप भी बहुत ही आसानी के साथ इसको रिपेयर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ आप घर बैठे भी इसको सही कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपके सामने मैंने ये सारा, ये देखिए देखिए आपके सामने मैंने ये सारा बटन मैं चला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक इंडिकेटर ऑटोमेटिक जल रहा था, ये बटन शॉर्ट कर रहा था, ये अब ठीक है। ये देखिए इस तरह ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।